सामने पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी हैं? ऑप्शन विश्वकर्म, चंदन, अमरबेल, रेफ्रेलेसिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्तंभ बैल। अमरबेल पूर्ण रूप से स्तंभ परजीवी हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुलाब का पौधा अपने जैसा का एक नया पौधा किसके माध्यम से तैयार करता है? फूल, जड़, तना, पता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तने के माध्यम से गुलाब का पौधा अपने जैसा एक नया पौधा तैयार करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पैरामीशियम है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीव में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु, सूक्ष्म, शैवाल और कवक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, जीवाणु, सूक्ष्म, शैवाल और कवक। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीव में से जीवाणु, सूक्ष्म, शैवाल और कवक एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मनुष्य की जैविक घड़ी कहलाती है पीनियम, काई, थाइमस, थायराइड, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मनुष्य की जैविक घड़ी है वो पीनियम काई कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसका? एक नक्षत्र का रंग। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंग किरणें, रेडियो किरणें, सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पराबैंगनी किरणें। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित पराबैंगनी किरणें होती हैं जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के संचार को बहुत लंबी दूरी तक आह्वान करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नोतक में से ध्वनि को वेग सर्वाधिक किसमें होता है? जल, वायु, इस्पात, लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इस्पात में सबसे ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार का गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अमाशय। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्त्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन, सभी कथन सत्य है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग के रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐसी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सेरिब्रम। मनुष्य में ऐसी गति का नियंत्रण है वो सेरिब्रम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सील या गुदा द्वार। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, जिसे अमीबा जीव है जो भोजन की ग्रहण करता है वो कूटपाद के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विलियम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में ओथेलो की पत्नी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डैश डे मोना, एलिजाबेथ बेनेट, हेलन, डैश डे मोना, जूलियन। तो इसका सही आंसर होगा डैश डे मोना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस हवा में से भरी जाती है? भारी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नियॉन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसों में से सबसे भारी गैस होती है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा तत्व धातु है? सल्फर, सिल्वर, कार्बन, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सिल्वर है जो तत्व है। कौन सा है? धातु है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका प्रोटॉन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक, दो, तीन या कुछ नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका कुछ भी नहीं होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं होते या न्यूट्रॉन होते ही नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? लोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लोरीन में परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रोटॉन में कणों का सकारात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रॉन में समतुल्य प्रतिध्रुव कणों को कहा गया है? न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोजिटॉन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका प्रोजिटॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिध्रुव कणों को प्रोजिस्टॉन कहा गया है। क्या कहे हैं? प्रोजिटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? एटम फिशियन, सोलर एनर्जी, ऊष्मा विद्युत या ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका ऊष्मा विद्युत से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, छ, आठ या 16। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? डेक्यूपोजिशन,
ऑक्सीडेशन, ग्रेविटी, हाइड्रोलिसिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका ग्रेविटी, गुरुत्व। गुरुत्व एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? उद्रपातन, सटी स्पष्टीकरण, निष्क्रियकरण, आसवन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका निष्क्रियकरण है, जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉन में कमी होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। किसके पर किस प्रतिक्रिया के तहत? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के तहत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे में तापमान पर दरों में बदल जाती है? मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर दरों में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्म हवा में गुब्बारों में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका हीलियम। गर्म हवा में गुब्बारों में हीलियम गैस प्रयोग में की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित गैसों में से किस में एक तीखी गंध होती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका अमोनिया गैस में एक तीखी गैस होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में वस्तु सॉलिड में परिवर्तित होती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में वस्तु सॉलिड में परिवर्तित होती है। क्या नाम है? इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादकों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सरल आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन, जॉन आसवन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका आंशिक आसवन को। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादकों को अलग करने के लिए आंशिक आसवन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन गैस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है? ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था, किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट। तरल अवस्था में एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी है वो तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, अमिश्रणीय या इमिसिबल डिकेसेशन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इज करेक्ट, अमिश्रणीय या इमिसिबल।